नमस्कार। सीपीसी लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान से एक स्टूडेंट शेफाली शर्मा जी ने रिक्वेस्ट की थी ऑर्डर नंबर 3 सीपीसी को डिस्कस करने के लिए। तो शेफाली जी, आपके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं ऑर्डर नंबर 3 जो कि रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स के बारे में बात करता है पर अपनी बात रख रहा हूं। ऑर्डर 3 को जब आप देखते हैं तो यहां पर टोटल 6 रूल्स की बात की गई है। एक एक रूल के जरिए अगर चले तो ऑर्डर 3 का पहला जो रूल है वो ये कहता है कि 3 पर्पजेस को यहां स्पष्ट किया गया है, अपीयर करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए और एक्ट करने के लिए। अपीयरेंस के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए और एक्ट करने के लिए रूल 1 कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ अपीयरेंस, फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, आइदर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और इट इज परमिटेड बाय लॉ। या तो लॉ ने रिक्वायरमेंट कर रखी है, रिक्वायर्ड दे रखी है, ड्यूटी इम्पोज की है कि आप अपीयर करें, आप एप्लीकेशन दें या आप एक्ट करें, या आपको ऑथराइज कर रखा है। मतलब एक तरीके से अगर देखें तो इस जब आप फ्रेज को पढ़ते हैं तो राइट और ड्यूटी दोनों समझ में आती है। अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप वहां पर अपीयर होने के लिए, एक्ट करने के लिए और एप्लीकेशन देने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं, और अगर कहीं आपने ऐसा किया है तो आप बाउंड हो जाते हैं। लॉ रिक्वायर्ड करता है कि आप अपीयर करें, एप्लीकेशन दें या एक्ट करें। तो रूल 1 कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ अपीयरेंस, फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, पार्टीज को ये अपीयरेंस, ये एक्ट, ये एप्लीकेशन खुद करना पड़ेगा। और जहां पर लॉ ने इस बात की ओर इशारा किया है, लॉ ने परमिशन ग्रांट की है, वहां पर ऐसी अपीयरेंस, वहां पर ऐसी एप्लीकेशन, वहां पर ऐसी एक्ट पार्टीज की ओर से उनके रिकॉग्नाइज एजेंट्स भी कर सकेंगे या प्लीडर भी कर सकेंगे। इतना रूल 1 में बताया गया है। अब अगर रूल 2 में आते हैं तो वहां यह बात स्पष्ट की गई है कि आखिर रिकॉग्नाइज एजेंट कहेंगे किसे, हम किसको हम ये समझेंगे ऑर्डर 3 के अंतर्गत कि वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज एजेंट है। अब यहां पर रूल 2 कहता है कि एक व्यक्ति जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर पार्टी की ओर से किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है अपीयर करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, पार्टी की ओर से एक्ट करने के लिए, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति को हम ये मानेंगे कि वो उस पार्टी का रिकॉग्नाइज एजेंट है। नंबर सेकंड कहते हैं कि वो व्यक्ति जो किसी पार्टी की ओर से या तो ट्रेड करता है या बिजनेस करता है। मान लीजिए एक्स है जो वाई का ट्रेड जो है वो चलाते हैं, वाई की ओर से बिजनेस करते हैं, तो यहां एक्स जो होंगे, अगर मुद्दा उस बिजनेस से रिलेटेड होगा, अगर विवाद उस ट्रेड को लेकर के कोई क्वेश्चन उठेगा, तो एक्स जो है वो वाई के लिए रिकॉग्नाइज एजेंट माने जाएंगे। तो रूल 2 2 तरह के लोगों को बताता है कि वो रिकॉग्नाइज एजेंट माने जाएंगे। नंबर 1, पहला जिस व्यक्ति को पार्टी ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, और नंबर 2, अगर पार्टी की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेड को चला रहा है, बिजनेस को चला रहा है, और उस ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू या कोई क्वेश्चन खड़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को निपटाने के लिए, उस पर अपीयरेंस के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, एक्ट करने के लिए वो व्यक्ति जो कि ट्रेड कैरी कर रहा है वो रिकॉग्नाइज एजेंट माना जाएगा। रूल 3 ये कहता है कि जब मान लीजिए कोई प्रोसेस कहने का मतलब समन का प्रोसेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कोर्ट कह सकती है, या प्लेंटिफ ने अगर प्लेंट फाइल किया है तो उसकी कॉपीज किसको दी जाएंगी, तो प्रोसेसेस की अगर सर्विस रिकॉग्नाइज एजेंट को कर दी गई है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि पार्टी को इस प्रोसेस की सर्विस कर दी गई। क्यों? क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज एजेंट के रूप में ऑथराइज कर दिया। तो जब रिकॉग्नाइज एजेंट को ऑथराइज कर दिया तो इसका मतलब कि जो बात एजेंट की जानकारी में आ गई है, लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो बात प्रिंसिपल के भी जानकारी में आ चुकी है। तो यहां पर रूल 3 कहता है कि सर्विस ऑफ प्रोसेसेस टू आर ए रिकॉग्नाइज एजेंट ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो सर्विसेज जो है वो पार्टी को कर दी गई है। अब आते हैं रूल 4 पर।
रूल फोर ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर की बात करता है कि प्लीडर कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, कौन अपॉइंट करेगा। अब पहली बात तो प्लीडर की अपॉइंटमेंट पार्टी खुद कर सकती है। नंबर सेकंड कहता है कि पार्टी ने जिसको रिकॉग्नाइज एजेंट बनाया है, जिसको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, या जो उसकी ओर से ट्रेड या बिजनेस चला रहे हैं, वो व्यक्ति भी प्लीडर को अपॉइंट कर सकेंगे। रूल फोर में कहता है कि प्लीडर तभी काम कर सकेंगे जब वो पार्टी के द्वारा या उनके रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा इन राइटिंग में अपॉइंट किए जाएं। और अपॉइंट करने का मतलब जो वकालतनामे पे सिग्नेचर होती है, तो अपॉइंट किए जाएं, ऐसी अपॉइंटमेंट कोर्ट में जमा की जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि आखिर ये अपॉइंटमेंट कब तक जिंदा रहेगी, तो जब तक पार्टी इसे चेंज नहीं करते तब तक जिंदा रहेगी, जब तक प्लीडर मर नहीं जाता तब तक जिंदा रहेगी, या जब तक पार्टी नहीं मर जाती तब तक जिंदा रहेगी, या जब तक वो प्रोसीडिंग बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती तब तक प्लीडर की अपॉइंटमेंट जिंदा रहेगी। अब प्रश्न उठेगा कि प्रोसीडिंग को हम कब मानेंगे कि ये समाप्त हो गई। तो यहां और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि रिव्यू की जो एप्लीकेशन दी जाएगी, 144 में रिस्टिट्यूशन की अगर एप्लीकेशन दी जा रही है, 152 में कोई एप्लीकेशन दी जा रही है, यहां तक कि अपील की अगर प्रोसीडिंग चल रही है, उन सारे प्रोसीडिंग्स को हम ये मानेंगे कि अभी वो उस मेन प्रोसीडिंग जो मेन सूट फाइल किया गया है उसका ही एक एक्सटेंशन है। मतलब ये भी उस मेन प्रोसीडिंग के अंतर्गत ही माने जाएंगे और प्लीडर की नियुक्ति कंटिन्यू मानी जाएगी। अब यहां पर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक मुकदमे में एक से ज्यादा पार्टीज होती हैं। एक पार्टी ने क्या किया, प्लीडर को अपॉइंट कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने सीधे सीधे अपॉइंट तो नहीं किया है लेकिन उसी प्लीडर को अथराइज कर दिया है। तो जो अथराइज करने वाला पार्टी है, जिसने अथराइज किया है, उसकी ओर से भी वो प्लीडर तभी एक्ट कर सकेंगे जब वो कोर्ट में ये स्पष्ट करें कि पार्टीज में, पार्टीज के सूट में पार्टीज के क्या नाम हैं, दूसरी बात उस पार्टी का नाम स्पष्ट करें जिसकी ओर से वो अपॉइंट किए गए हैं, और फिर उस पार्टी के बारे में भी स्पष्ट करें जिस पार्टी के द्वारा वो अथराइज किए गए हैं उस मामले में एक्ट करने के लिए, अपीयर करने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए। अब आते हैं रूल फाइव पर। रूल फाइव ये कहता है कि जिस तरह रूल थ्री में हमने ये देखा कि अगर रिकॉग्नाइज एजेंट्स को आप प्रोसेस की सर्विस कर देते हैं, तो वहां यह मान लिया गया कि प्रिंसिपल को उस प्रोसेसेस के बारे में जानकारी हो गई, वो उनको मिल गए। यही बात रूल फाइव में प्लीडर्स के लिए लिखी हुई है। ये कहते हैं कि वो प्लीडर जिसे ड्यूली अपॉइंट किया गया है, उसको या तो उसको पर्सनली या उसके ऑफिस पर या उसके रेजिडेंस एड्रेस पर, उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पर, अगर पार्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस, चाहे वो पार्टीज को पर्सनली अपीयर होने का ही प्रोसेस क्यों ना हो, क्या क्या चीजें कहता है कि जो प्लीडर है उसको व्यक्तिगत तौर से या उनके ऑफिस के एड्रेस पर या उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पर, वो पार्टी जिसके द्वारा वो ड्यूली अथराइज किए गए हैं या ड्यूली अपॉइंट किए गए हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी प्रोसेस का मतलब इसमें अगर पार्टी को व्यक्तिगत तौर से कोर्ट में बुलाया भी गया है, कोर्ट में उपस्थित होना है, अपीयर होना है, वो प्रोसेस के बारे में भी अगर इस प्रोसेस को व्यक्तिगत तौर से या उनके ऑफिस के एड्रेस पर, प्लीडर के या उनके रेजिडेंस के एड्रेस पर प्रोसेस की सर्विस कर दी गई है, तो ये शैल प्रिज्यूम किया जाएगा कि पार्टी को ड्यूली कम्युनिकेट हो गया और पार्टी के नॉलेज में वो बात आ चुकी है। इसका मतलब प्लीडर को जब आप अपॉइंट कर रहे हैं, किसी प्लीडर को चुन रहे हैं, तो उसके पहले अच्छे से उसके बारे में सारी चीजों को देख लीजिए, सोच लीजिए और समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी प्रोसेस की जानकारी, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है, लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि वो जानकारी पार्टी को जिसके लिए वो जारी की गई है उसको हो चुकी है, उसके इंफॉर्मेशन में ये बात आ चुकी है। अब आते हैं रूल सिक्स पर। रूल सिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज की ओर इशारा करती है। रूल सिक्स को जरा समझिए।
रूल सिक्स ये कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी ओर से प्लीडर अपॉइंट किया या अपनी ओर से रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंट किया, लेकिन वो रिकॉग्नाइज एजेंट उस कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन में रिसाइड नहीं कर रहा, कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन में रिसाइड नहीं कर रहा, तो जो मेन पार्टी है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए इन राइटिंग में किसी और व्यक्ति को भी रिकॉग्नाइज एजेंट के एडिशन में किसी और व्यक्ति को भी प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेसेस की सर्विस के लिए अपने एजेंट के रूप में अपॉइंट कर सकेंगे। यह बात रूल सिक्स में वन क्लॉज नंबर वन में कही गई। अब रूल सिक्स का क्लॉज टू कहता है कि जहां पर पार्टीज, मान लीजिए जो पार्टी है मुकदमे में वो कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, उसके द्वारा अपॉइंट किया गया रिकॉग्नाइज एजेंट भी कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो कोर्ट मुकदमे के किसी भी स्टेज पर, चाहे वो प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पर हो, वो पार्टी से ये डिमांड कर सकेगी कि वो एक फिक्स टाइम के अंदर या तो पार्टी से डिमांड करेगी या उनके प्लीडर से डिमांड करेगी कि आप एक फिक्स टाइम के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को एजेंट के रूप में आप अपॉइंट कीजिए जो हमारे लोकल ज्यूरिडिक्शन में रहता हो। ऐसा करने के पीछे का टारगेट क्या है? ऐसा करने के पीछे का टारगेट है कोर्ट का समय बचाना। कोर्ट का समय क्यों बचाना? कि पार्टी से रिलेटेड जो प्रोसेसेस इशू होंगे, ज्यादा बेहतर है कि अगर कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर का कोई व्यक्ति एजेंट के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, उसको सर्विस करानी आसान होगी, उससे कोर्ट का समय बचेगा। इसलिए कोर्ट रूल सिक्स के क्लॉज टू में पार्टी से भी ये डिमांड कर सकती है या उनके प्लीडर से भी ये डिमांड कर सकती है कि आप एक फिक्स टाइम के अंदर जो कोर्ट बताएगी उसके अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को आप एजेंट के रूप में अपॉइंट कीजिए, रिकॉग्नाइज एजेंट अपनी जगह रहेंगे, उसके एडिशन में आप किसी और व्यक्ति को अपने एजेंट के रूप में अपॉइंट कीजिए, बस शर्त इतनी है कि वो व्यक्ति को हमारी कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत रहने वाला। इतनी बातें हैं ऑर्डर थ्री में रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स के बारे में। सीबीसी लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर, जीशान अली जी ने एक रिक्वेस्ट दी है। जीशान अली जी ने कहा कि ऑर्डर नंबर 47 से लेकर के ऑर्डर नंबर 51 पर अपनी बात आपके सामने रखूं। तो जीशान अली जी, अगले लेक्चर में ऑर्डर 47 से ऑर्डर 51 का फुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। इस बात के होते हुए भी कि ऑर्डर 47 को रिव्यू के साथ एक बात समझा चुका हूं, फिर भी ऑर्डर 47 में जो 7 रूल्स हैं वो और ऑर्डर 48 से लेकर के 51 तक एक्सप्लेन करता हुआ अगला लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।